हाँ, और हम गरीबों के लिए एक अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है हमारे सब जितना परेशान है ना उनके लिए। अरे देश खतरे में है, आपके देश को बचाना है, फिर मोदी जी को देना है वोट, बताइए। हमारी लोनी भी तो खतरे में है जी, हमें लोनी भी तो बचानी है, हमें भी तो रहना है, हमें भी तो रास्ते की जरूरत है, हमें भी तो विकास की जरूरत है, हमें भी तो सारी चीजों की जरूरत है, ये बताइए ना। हमारे साथ जो खड़ा होगा हम उसी के साथ तो खड़े होंगे। वीडियो बना के ले जाना रोड से, अच्छा, तो आपको खुद पता चलेगा, एक मिनट भाई साहब, आपको पता चलेगा, वीडियो आप बना के ले जाना कि कैसा रास्ता बना है और किसने बनवाया है। अच्छा, हाँ जी, हाँ, पत्थर लगे हुए हैं, ये जरूर है। सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग बैठे हैं मंदिर के चौपाल पर, यहाँ पे हमारे साथ माताएं बहनें हैं। क्या नाम है आपका मैडम? सुमन। सुमन जी, क्या करते हैं आप? हम तो दुकान है परचून की। परचून की दुकान है, अच्छा। यहाँ पे जो इस वक्त उत्तर प्रदेश का माहौल है वो कैसा है, मतलब किसकी तरफ जाने वाला है, बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ या जो गठबंधन है मुलायम सिंह का उसकी तरफ या बहन कुमारी मायावती की तरफ? भैया किसी की तरफ जान तो हाजी जी की तरफ जाएंगे, वो ही हमारा काम करवा सकते हैं कॉलोनी का। हाजी जी ने मुझे लग रहा है आपको कुछ पैसे दे दिए। नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई वो नहीं, वो है कि हाँ वो हमारे काम में आते हैं, आधी रात बुलाओ आधी रात आ जाते हैं, और क्या बोले, हमारा विकास भी वही करवा सकते हैं, पानी भर रहा, गोबर भर रहा दरवाजे पे। सारा देश तो कह रहा है मोदी को वोट डालेंगे, आप कह रहे हैं हाजी जी को वोट? हम तो हाजी जी को देंगे। अच्छा, हाँ, वही हमारे रात बिरात कोई काम आता, कौन आता है? कोई नहीं आता, ना मुलायम सिंह आते ना वो आते हैं, तुम्हारे क्षेत्रीय नेता होना जरूरी है। हम हमारे क्षेत्र क्षेत्रीय नेता होना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, जो एक मीडिया के होने पर, उपस्थित होने पर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हो गई, इन महिलाओं से हम लोग जानेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? अनीता तोमर। अनीता जी, क्या मूड बना के बैठे हैं इस वक्त, क्या मन बना के बैठे हैं? तमाम महिला इकट्ठी हो गई हैं, पता नहीं पत्रकार को देखकर। सारी महिला यही मूड बना के बैठी हैं कि आपके हाजी जी को वोट देनी है, हाजी आकिल को ही वोट देनी है। क्यों? कि हमारी आज तक ना किसी ने सुनी है, ना कोई बाद में मिलने आता है, पाँच साल से पहले कोई मिलने नहीं आता, ना कोई वोट मांगने आता है, ना काम देखने आता है, और सब उसी के दौरान ही आते हैं, इलेक्शन के दौरान। और हाजी जी हमारे ऐसे आदमी हैं कि हम कभी भी आधी रात को भी फोन करें तो हमारी कॉलोनी में वो हाजिर होते हैं। उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पे बहुत सारी वोट मांगी जाती है, धर्म के आधार पे वोट सारे मांगी जाती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैसे तो हम लोग जाति आधार की बात नहीं करते हैं, कौन सी धर्म और जाति से आते हैं वो भी आप हमें बताएं। हम तो राजपूत जाति से आते हैं। राजपूत जाति से आते हैं, और एक मुस्लिम समाज के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे हाजी अकील, आप उनके समर्थन में नजर आ रही हैं ना? जी, क्यों नजर आ रही हैं, ऐसा क्या वो विकास करेंगे वो यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि कोई भी किसी पे परेशानी या कोई दिक्कत कोई भी आती है, उनको फोन करते हैं, वो समस्या को हल करते हैं लोगों की। अच्छा, हाँ जी। अभी तो वो सत्ता में भी नहीं है, ताकत में भी नहीं है, उसके बावजूद भी मतलब अपने स्तर पर जो हो पाता है वो करते हैं। जी जी, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। और सर, मैं बीजेपी में मंडल में उपाध्यक्ष का पद है मेरे पे। अच्छा। लेकिन मैं उसको छोड़ के हाजी जी के साथ हम इसलिए लगे हैं क्योंकि हमारे यहाँ इसमें कोई भी नहीं सुनता, बीजेपी वाले वाले तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। कोई नहीं सुनता? नहीं जी, कोई भी नहीं सुनता। बीजेपी तो बोल रही है सबका साथ सबका विकास, और महिलाएं भी बड़ी ज्यादा सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो हमारे यहाँ नेता है वो तो नहीं सुनते, वो आता नहीं कोई भी। अच्छा। वोट के टाइम पे हमने उनको पूरा सपोर्ट करा था, सब कुछ करा था, पूरी कॉलोनी उनके साथ रही थी, है, मीटिंग भी कराई थी, उसके बाद बताओ कोई भी आया हो हमारे यहाँ, हमारी कॉलोनी में कोई झांक नहीं। यहाँ से विधायक आपके? नंदकिशोर गुर्जर। नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, आप बीजेपी छोड़कर जो है हाजी अकील जी के समर्थन में खड़ी हो गई हैं, महिला के मतलब कोई पद से या बिना पद के काम कर रही हैं अभी? नहीं, बिना पद के। बिना पद के काम कर रही है। और भी महिलाएं, क्या नाम है आपका मैडम? लक्ष्मी जी, साक्षात लक्ष्मी जी, क्या नाम आप, किसके ऊपर कृपा बरसाने वाली आप लक्ष्मी जी? बस हाथी को वोट देंगे। हाथी को वोट देंगे,
आप किसको वोट देंगे? अभी बना नहीं है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम उमा गुप्ता है। उमा गुप्ता जी है। हाँ गुप्ता जी, क्या आप क्या मन बना के बैठे हैं? हम अपने भाई साहब को जिताना चाहेंगे और हम उनसे बहुत खुश हैं। हमारे हर मुसीबत में, हर दुख सुख में हमारे साथ वो खड़े होते हैं। उन्हें कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच उनको दिखता नहीं। हर समय पर रोज सबके साथ रहते हैं। अच्छा। किसी से कोई नहीं कि वो मतलब छोटा बड़ा मानते हो, सबके लिए वो रहते हैं। मंदिर मस्जिद सबके लिए, छोटे बड़े सबके साथ, चाहे उन्हें आधी रात बुला लो, किसी भी टाइम बुला लो, सबके साथ रहते हैं। हम इस बार मायावती जी के साथ हैं और अपने भाई साहब के साथ हैं। हम चाहते हैं एक बार भाई साहब हमारे बीच आकर के, हमारी उनकी कॉलोनी बसाई हुई है, हम उनके साथ खड़े रहे और वैसा हमारे साथ तो 24 घंटे रहते हैं। हम हमारे बीचों एक बार विधायक बन के आए, हमारी कॉलोनी का सुधार करें। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि यहाँ पर हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। आप कुछ कह रहे थे मैडम? सर मैं ये कह रही थी, अगर आप उन्हें मंदिर में बुलाओगे ना तो मंदिर में भी आके आपके साथ पूजा करेंगे, ऐसी इंसान है। अच्छा, हाजी अकील जो है ये महिला बता रही है कि वह मंदिर में आकर भी सभी कार्य करते हैं और समर्थक पूरे नजर आते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? जी गुलनाज। हाँ जी गुलनाज, गुलनाज। अच्छा, तो क्या मन बना के बैठी हैं इस वक्त, किस पार्टी को और किस कैंडिडेट को वोट डालेंगे, मूड में हैं? जी हम हाजी जी को वोट डालेंगे जी। और हाजी जी हमारे अच्छे में, बुरे में, चाहे आधी रात में कोई भी परेशानी हो तो वो आके खड़े रहते हैं। अच्छा। हाँ, और हम गरीबों के लिए एक अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है हमारे सब जितना परेशान है ना उनके लिए। अच्छा, ये बोलने हैं कि अल्लाह का फरिश्ते की तरह ना हमें नज़र आते हैं और वह हमेशा सबके सब सुख दुख में खड़े होते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? गुड़िया। गुड़िया जी, क्या मन बना के बैठे हैं? बस वही जो सबने मन बना रखे हैं, वही मन हमारा भी, क्योंकि हमारे इंशाल्लाह हाजी जी जीतेंगे। अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह से दुआ है हमारी, हाजी जीतेंगे। ईमानदार आदमी है, आके राम पारक के। अच्छा। यूपी क्षेत्र के। हाँ। इतने बढ़िया आदमी है, उनसे बढ़िया आदमी नहीं है। अच्छा। और भी महिलाएं हम उनसे भी जानेंगे जी। हाजी आ गया जी, हम हाजी जी के साथ है। जो हम चाहे तो उन्हें, जैसे हम अपनी परेशानी होती है उन्हें हम आधी रात को भी अगर बुलाते हैं तो वो हमारी कॉलोनी में आकर हम कॉलोनी वालों की सहायता करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पूरा मन बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश के लोनी के अंदर, इलायचीपुर के अंदर, वो महिलाओं ने बड़ा अच्छा मन बना रखा है कि इस वक्त बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो यहाँ के उम्मीदवार हैं हाजी आकिल साहब, उनको जिताने का पूरा पूरा मन बना रखा है। और भी महिलाएँ हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। आज ही आप लोग आगे आइए मैडम, बताइए जी। अब उन्हीं के वोट देंगे हाजी साहब को, हाजी जहाज साहब को। क्यों देंगे उनको वोट? उन्हीं के दोंगे, वो हमारे काम में आते हैं तो हम उनके काम में। अरे देश खतरे में है, आपके देश को बचाना है फिर मोदी जी को देना है वोट, बताइए। हमारी लोनी भी तो खतरे में है जी। अच्छा। हमें लोनी भी तो बचानी है, हमें भी तो रहना है। हाँ। हमें भी तो रास्ते की जरूरत है, हमें भी तो विकास की जरूरत है। हाँ। हमें भी तो सारी चीजों की जरूरत है। हाँ। ये बताइए ना, हमारे साथ जो खड़ा होगा हम उसी के साथ तो खड़े होंगे। तो बीजेपी बोलती है महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, तो महिला सुरक्षित नहीं है क्या इसमें? नहीं, महिला की बात नहीं है सर, आप देखिए ना, विकास नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हमारे बच्चे नौकरी नहीं जा पाते, हमारे हम लोगों के लिए कितनी परेशानियां होती है, रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। 5 साल में योगी जी ने और नंदकिशोर गुर्जर जी ने विकास नहीं दिया आपको? से वीडियो बना के ले जाना रोड से। अच्छा। तो आपको खुद पता चलेगा, एक मिनट भाई साहब, आपको पता चलेगा, वीडियो आप बना के ले जाना कि कैसा रास्ता बना है और किसने बनवाया है। अच्छा। हाँ जी, हाँ पत्थर लगे हुए हैं ये जरूर है। अच्छा। हाँ जी, यहाँ का विकास है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है पूरा का पूरा। क्या नाम है मैडम आपका? लालती पांडे। अच्छा, क्या मन बना के बैठे हैं इस बार? यही मन बना के बैठे हैं कि वोट देंगे हाजी को। हाँ, अखिल को। तो क्यों देंगे उनको वोट? अरे वो हमारे कॉलोनी का सुरक्षा करते हैं, बॉडी गार्ड हैं, आधी रात को पुकारू तो आ जाते हैं। आप देखेंगे जो तमाम महिला हैं, तमाम साथी हैं यहाँ पर पूरा का पूरा मन बनाकर बैठे हैं कि हाजी अकील अब की बार विकास के नाम पर, धर्म के नाम पर अब कहीं हमें वोट नहीं डालना, हमें सिर्फ बसपा बहन कुमारी मायावती को ही विजयी बनाना है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।